हो। तो सांसों की बात करते हैं। एक मिनट के अंदर हम 30 सांसें लेते हैं। एक मिनट में कितनी सांसें लेते हैं? 30। कैलकुलेटर चला के गणना करते जाना, मैं हिसाब पूछता हूँ आपको। खोल लो कैलकुलेटर, सांसों का हिसाब किताब रखोगे तो बन जाओगे, नहीं रखोगे, पैसे का रखोगे तो नहीं बन पाओगे। सांसों का रखना पड़ेगा, सांसें ज्यादा कीमती है, पैसों से भी ज्यादा कीमती है। एक मिनट में 30 सांसें हम लेते हैं, ब्रीदिंग रेट हमारी 30 है। हार्ट बीट कितनी होती है? 72। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो 60 मिनट में कितनी हो जाएंगी? 1800 हो जाएंगे कि नहीं? यानी कि एक घंटे के अंदर हम 1800 सांसें लेते हैं। इंटू 24, 1800 इंटू 24 43,200 सांसें एक दिन में, 24 घंटे में। 24 घंटे में हमारी सांसें हुई 43,200 इंटू 365। हाँ, 1,57,68,000। यानी एक साल की सांसें गिनी जा सकती हैं। एक साल में ढेरों लोग ऐसे हैं, एमपी नगर की हर दुकान वाला इससे ज्यादा पैसा कमाता है। एमपी नगर की जितनी भी दुकानें आपको दिखाई देती ना, वो सारी की सारी दुकानें एक साल में जितनी वो सांसें नहीं लेते उससे ज्यादा पैसे कमाते हैं। इंटू 60 कर लें, 60 साल की हो जाएंगी। हाँ, 94 करोड़, 1 अरब भी नहीं हुई, 94 करोड़। यानी कि 60 साल की उम्र तक 94 करोड़ सांसें लेंगे, 1 अरब सांस भी नहीं लेता आदमी। यानी अभी कैलकुलेटर की सीमा से बाहर नहीं गया ना डिजिट, इसका मतलब कि सांसों को गिना जा सकता है। अब ये सांसों का हिसाब किताब हुआ। 60 इसलिए माना क्योंकि 60 के बाद जीवन में ज्यादा कुछ कर गुजरने का होता नहीं। और दूसरा, करने की उम्र क्या होती है कि हम 8 घंटा सोते हैं एवरेज। बचपन में तो 20-20 होते थे, 20 घंटा भी सोते थे, आगे जाके 4 ही घंटा नींद आएगी बुढ़ापे में। तो एवरेज निकालेंगे तो 8 घंटा तो होगा। तो 94 करोड़ का 1/3, यानी कि 60 साल में से 20 साल तो सोएंगे, क्योंकि 24 में से 8 घंटा सोते हैं। तो 20 साल हमारे सोने में चले गए, तो 40 ही साल काम के बचे। और अगर आप अभी 24 के हो गए हैं या 22 के हो गए हैं, 20 से तो ज्यादा ही बैठे हैं सब लोग, तो बचे ही 40 हैं। उसका भी 1/3 जाएगा ना, वही नींद वाला, 2 साल नहाने के, 2 साल 3 साल खाने के, हैं? और अगर मूवी और टीवी और अब सोशल मीडिया का है तो 4-5 साल इसके। तो लाइफ के जो इतने बड़े बड़े जो है, फिर आए क्यों थे? अब प्रश्न उठेगा, आए क्यों थे? नक्शा उठा के देखें तो वर्ल्ड का नक्शा, भोपाल दिखता नहीं, मध्य प्रदेश का भी ज्यादा नामो निशान नहीं होता, भारत दिखता है। तो कम से कम वर्ल्ड के नक्शे में जो हिस्सा दिखता है उसमें जितने लोग हैं उतने तो हमको जाने। तो क्या हमारे मरने पर उठावने की और मरने की खबर हमारे घर वाले छपवाएंगे, या अखबार वाला खुद प्रेस में रिपोर्टिंग कर देगा? बहुत मुश्किल है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारी भी खबर बने, हमारे जाते समय हमारी भी खबर बने। बन पाएगी भी नहीं बन पाएगी, इसमें भी शंका है। कितने लोगों की बनती है? बहुत कम लोगों की बनती है। रोज तो कितने मरते हैं?
न्यूज़पेपर में किसके मरने की खबर आती है? बहुत कम लोगों के मरने की खबर आती है। वो अपने ही पैसे से थोड़ा बहुत छपवाते रहते हैं लोग, वो भी पैसा आप छोड़ के गए तो, नहीं तो बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं होते। फिर हम गलती क्या करते हैं? हम गलती यहाँ करते हैं कि जो 1800 सांसें बड़ी कीमती हैं एक घंटे की, हम जिस व्यक्ति को 1800 रुपए नहीं दे सकते उसको 1800 सांसें दे देते। अगर कोई हमारा जिसे हम दोस्त कहते हैं वो करीबी है या जो हमसे बात करता है, कई बार हम फोन पे बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा बात करते हैं, है ना? वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो 1800 रुपए उधर से मांग ले तो हो सकता है हम फोन काट दे, लेकिन उसने आपकी 1800 सांसें चुरा ली तो हमने फोन काटा क्या? नहीं काटा। तो सांसें लौट के नहीं आएंगी, ध्यान रखिए, ये जा रही हैं और ये कमाई भी नहीं जा सकती, इनको आप बैंक में जमा भी नहीं कर सकते और इनके ऊपर ब्याज भी नहीं मिलता। पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए उसको 1800 रुपए देकर पीछा छुड़ा लेना अगर छूटता हो, बहुत सस्ता सौदा है, नहीं तो अगली बार फिर वो 1800 सांसें। कई बार हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं ना एक एक घंटा, बोलते हैं ये बहुत बेकार आदमी है या ये आंटी बहुत बेकार है, और मैं इससे बात भी करना पसंद नहीं करती, कई लड़कियां ऐसे बोलती ना, और एक घंटा बात कराते हैं उससे। मुझे लगता है कि हम समय की बहुत बड़ी बर्बादी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी सौंप रहे हैं किसी को। आप किसी से बात कर रहे हैं मतलब अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा उसको दे रहे हैं, और इस हिस्से को यदि आपने प्रियम्बल रटने में, मूल कर्तव्य रटने में, फंडामेंटल राइट्स को याद करने में लगाया होता तो आप आईएएस बन जाते। तो हम जो समय की बर्बादी करते हैं वो समय की बर्बादी नहीं करते, खुद की बर्बादी करते हैं, हमारा जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं, और इतनी अमूल्य चीज हम उसको दे रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा अमूल्य है, और वो लौट के भी नहीं आएगी। ये समय जा रहा है, उसको आप रोक भी नहीं सकते, कोई नहीं रोक पाया इसको, ईश्वर भी नहीं रोक पाया। जो अब जितने इनकार्नेशन हुए हैं और जो जितने अवतार हुए हैं वो सब भी समय से बंधे हुए रहे, समय आने पर उन्हें भी जाना पड़ा। प्रकृति ये सिद्ध करती है कि इस प्रकृति का जो नियम है वो समय का नियम है, समय ही ईश्वर है और समय ही प्रकृति है और समय ही जीवन है। इसलिए अगर आपने समय बर्बाद किया मतलब आपने जीवन बर्बाद किया। तो आज का लेक्चर के बाद में थोड़ी समय की कीमत बढ़ जानी चाहिए, और आलस्य समय का बहुत बड़ा शत्रु है, और आलस्य की शुरुआत होती है स्वाद से। इसलिए जबान पे यदि कंट्रोल रहेगा तो दो तरह से समय बचेगा, एक तो नींद नहीं आएगी ज्यादा कम खाएंगे तो, और नहीं तो स्वादिष्ट चीजें होती हम ज्यादा खा जाते हैं उससे भी पढ़ाई नहीं होती। और दूसरी समस्या ये होती है कि हम जवान से कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि वो डैमेज कंट्रोल में बहुत सारा समय चला जाता है, कुछ समय उसके कारण भी नुकसान होता है कि हम गलत बात बोल देते हैं, बाद में मनाते फिरते हैं या उस डैमेज को कंट्रोल करते रहते हैं, इस वजह से भी समय बहुत बर्बाद हो जाता है। या फिर डिप्रेशन आता है कि गलत बात बोल दी, जवान पे कंट्रोल नहीं था। तो जवान पे कंट्रोल दो तरीके से होगा, एक कम बोलना है, अच्छा बोलना है, और एक कम खाना है और पौष्टिक खाना है जिससे बुद्धि चले, ठीक है? और गायत्री परिवार के हिसाब से मैं शाकाहार को रिकमेंड करता हूं, ठीक है? और पीना तो बिल्कुल नहीं है। तो खाना और पीना जो है अगर उसका ख्याल रखा, बोलने का ध्यान रखा और आलस्य को हावी नहीं होने दिया और हमारा होमवर्क किया तो आईएएस बनना तय है। अदरवाइज आपको चपरासी से लेके जो भी भाग्य आपका होगा वो आप होगे, और वहां ये आज का लेक्चर जरूर याद आ रहा होगा।